हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी गेमिंग पैसा को स्वागत करती हूँ मैं। आप लोग शायद से मुझे जानते नहीं होंगे, मैं हूँ काबिया। पिछले वीडियो में मैं आपसे मिली हुई, और अगर मैं आपसे मिली नहीं हूँ इसका मतलब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो। तो महादी गेमिंग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मैं जब भी आपसे मिलूँ तो आप लोग मुझसे मिल पाए। तो दोस्तों, आज मैं मेरी थार को या तो मेले पे लेके घूमने आई थी, और अचानक मेरी बॉस का फोन आता है। मेरे बॉस ने मुझको कहा कि उनके घर में पार्टी हो रही है, और जो बिजनेस का कुछ काम वगैरह है उसके बारे में मुझसे कुछ बात करना चाहता था, तो इसी वजह से मुझको बुलाया है। अभी मैं सीधा बॉस के घर में जाऊंगी। वैसे दोस्तों, मैं कार चलाना ना यहाँ पे न्यू सीखी हूँ, और जो कार है ना ये मुझको बहुत पसंद थी। तो बिजनेस के काम से मैं अपने पैसे से ये कार खरीदी हूँ। मुझे तो कार बहुत ही पसंद थी, पता है आप लोगों को। इधर से बॉस के घर में जाने में 2-3 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगी। जितना मुझे टाइम लगेगा जाने में, तब तक तुम लोग मैं ड्राइविंग ही देख लो कैसे चलाती हूँ। मुझे कमेंट करके जरूर से बताना दोस्तों, क्या मैं ठीक से चला पा रही हूँ कार या फिर नहीं चला पा रही हूँ, वो भी मुझे बता देना। और तुम में से जो जो हमारे मानी ये नहीं चैनल को देख रहे हो, तुम लोग अपना नाम कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों का नाम का शॉर्ट आउट दे दूंगी। आज संडे है ना दोस्त, इसी वजह से यहाँ पे रोड में जो कार वगैरह थोड़ा कम चल रहा है। नहीं तो अगर दूसरे टाइम में मैं जाती ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जैम रहती है, तो मैं ऐसे नहीं जा पाती। अभी देखो एकदम रास्ता खाली खाली ना, तो मैं अच्छे से जा पा रही हूँ। इधर से बॉस के घर से घूमने के बाद ना मुझे जाना है गैराज में, क्योंकि मुझे कार के अंदर ना एसी लगानी है। न्यू खरीदी हूँ ना, इसके एसी कुछ खराब वगैरह हो गया इसके अंदर। इतनी गर्मी में एसी के बिना कैसे चला पाऊंगी दोस्तों, बताओ। और ये लोग इसको ठोक दिया, नहीं बाप रे, मेरे पीछे भी छाया, जल्दी भागती हूँ नहीं तो भी मुझे पकड़ लेगी। तो दोस्तों देखा ना कितनी पागल हूँ, मतलब कैसे चलाती हूँ। देखा ना, मैं अभी ठोक दिया था मैं कार को, अभी मुझे पकड़ लेता और मुझको पुलिस के हवाले कर देता। मैं क्या करती फिर, मेरा जॉब भी चली गया कि मैं क्या करती दोस्तों। फिर तो मैं कोई भी कार नहीं खरीद पाती ना। और दोस्तों पता है, और यहाँ से ना मैं अगर सीधा जाऊंगी तो सामने मेरे बॉस का रूम, मतलब जो यहाँ पे होटल वगैरह उन्होंने खरीद के रखा है, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और इधर से मैं जाऊंगी तो सामने मुझे मिल जाएगी वहाँ पे सामने। हाँ बाएं तरफ मुझे साथ से जाना होगा। हाँ हाँ, इस तरफ बाएं तरफ मैं जाऊंगी, नहीं सीधे ही जाना पड़ेगा मेरे को। आप लोग लाइन में मैप में देख पा रहे होंगे, वहाँ पे पूरा लोकेशन दिखा रहा है कहाँ से मुझे जाना होगा। ये मेरे कार का न्यू फीचर है, इसके अंदर मैं मैप वगैरह लगाया हूँ, और इसमें ना गूगल मैप भी चल जाती है दोस्त, आपको पता है। ओ भाई, मैं फिर से किसको ठोक दिया दोस्त। आज पता ना कैसे चला रही हूँ, मुझे ठीक से पता ही नहीं चल रहा। अब मुझे ना गाड़ी को स्लोली स्लोली चलानी पड़ेगी। हाँ फाइनली दोस्तों, मैं बॉस के घर के पूरा पास ही आ चुकी हूँ। आप लोग सामने ही मेरा बॉस का घर देख पाओगे। वो देखो ऊपर जाऊंगी ना उस तरफ, वहाँ पे मेरा बॉस का घर है। ये वाला नहीं, उसके आगे वाला जो घर हाउस है ना, उसमें मेरा बॉस रहता है। वो देखो यहाँ पे सामने मैं रुक जाऊंगी, आप लोग समझ पाओगे कि कौन सा घर में क्या बात कर रही थी। ये देखो ये वाला घर मेरे बॉस की है, ठीक है ना। उन्होंने एक न्यू और एक हाउस बनाया है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ऐसे दोस्तों मुझे ना वजह से जल्दी से निकलना भी पड़ेगी, क्योंकि मुझे जाना है एक जगह पे दोस्तों। तो पहले मैं बॉस से मिल लेती हूँ। हेलो शेर, आप कहाँ हो, मैं आ गई हूँ। अरे इस टाइम पे कौन आया यार। अरे ओ काव्या, तुम आई हो, आ जाओ घर में आ जाओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। पता है काव्या, जो न्यू हाउस मैंने खरीदा है ना काव्या, तुम तो देखी थी, तो वो घर का जो कागज वगैरह तुमको थोड़ा चेक करना होगा, ठीक है ना। तुम जाके थोड़ा चेक कर लेना, अभी घर में पार्टी चल रहा है ना, इसी वजह से मैं देख नहीं पाऊंगा जाके। अरे शेर, बस यही बात थी क्या, मैं कर लूंगी ठीक है। तो थोड़ा सा आपका घर देख के जाती हूँ ना, बहुत दिन बाद आई हूँ आपके घर में। अरे तो काव्या, अभी कौन जाने के लिए बोल रहा, तुम घर में आई हो तो थोड़ा सा खाना वगैरह खा के जाना, और देख के जाओ घर में, बहुत लोग आए हैं ना आज। अरे सर, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मैं मेले पे गई थी ना, तो वहाँ पे कुछ खाना खा लेती। वैसे शेर, आपने जो न्यू हाउस खरीदा है तो उसके जो फाइल्स वगैरह हो क्या हमारे ऑफिस में पड़ा है? हाँ हाँ, तुम ऑफिस में जाना, मेरे डेस्क में जाना, वहाँ पे ड्रॉयर में तुमको मिल जाएगा फाइल्स। ओके सर, मैं थोड़ा सामने से घूम के आती हूँ, आप भी आओ ना। मैं एक महीने पहले आपके घर में आई थी, और आपने क्या घर में कुछ चेंजेस वगैरह किया है सर? अरे सर, आप कहाँ गए हो सर? ओ सर आइए ना इधर। अरे हाँ कभी यार, रुको आ रहा हूँ, मैं सोचा तुम उधर ही खड़ी होगी इसलिए मैं वहाँ पे था। और क्या बोल रही थी तुम, क्या मैं घर में कुछ चेंज वगैरह किया हूँ? नहीं। अरे हाँ, तुमने सही कहा, मैं चेंज वगैरह किया हूँ। देखो एक महीने पहले तुम आई थी, तब अलग थी ना घर, तो अभी देखो अलग है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो सामने पुल है, नहाने के लिए पुल किया हूँ सामने, और सीधा तुम देखोगी तो वहाँ पे सामने बॉनफायर लगाने का जगह किया हूँ। जब ठंडे के मौसम में होता है ना, सब हम लोग चिल करने के लिए वहाँ पे बॉनफायर जला लेते, तो ऐसा ही किया है। अच्छा तुमको कैसी लगी काव्या, बताओ ये पुल? सर आपका हाउस तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी, और आपने सामने जो नहाने के लिए पुल किया ना, वो भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी सच में।
हाँ काव्या, तुमको अच्छा क्यों नहीं लगेगी? सच में तो अच्छी लगेगी ना, क्योंकि ये जो घर का अंदर बाहर जो भी तुम देख रही हो सब कुछ मेरे सोच से ही बनाया है। जो भी बिल्डर्स है मैं उन लोगों को ऐसे ऐसे करके डेकोरेट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये घर के अंदर बाहर सब कुछ मैं अपने से डेकोरेट किया हूँ। वैसे काव्या तुम आओ ऊपर मेरे साथ, तुम हम लोग नीचे आ गए ना ऊपर थे, और तुम क्या खाना वगैरह खा के जाओगी या फिर? अरे सर मैं तो भूल ही गई थी, मुझे जो कार को लेकर ना, मैं जो न्यू कार खरीदी है उसको लेकर मुझे गैरेज में जानी है, क्योंकि कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसी वजह से मैं कार को लेकर जाऊंगी गैरेज में, मैं बाद में आऊंगी ना सर आपके घर में। अच्छा अच्छा ठीक है काव्या, तुम चले जाना, पहले मेरे साथ इधर आओ, वहाँ पे सामने चलो, कुछ बात करना है तुमसे। कैसी बात सर, आपको कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है क्या? हाँ ऑफिस के बारे में इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो तुम इधर आ जाओ, इधर बहुत सारे लोग हैं ना, तो हम लोग सीधा सामने जाते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते आ जाओ। इधर आ जाओ काव्या, इधर आ जाओ मेरे पास, यहाँ पे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ सर बोलिए, कौन सी बात करनी है आपको? देखो काव्या, मैं जो न्यू हाउस खरीदा है उसका पेपर तो तुम चेक ही कर लोगी, लेकिन उसका जो पेपर ठीक से चेक करना, क्योंकि मैं तुमको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। ये जो हाउस मैं खरीदा वो एक गैंगस्टर का हाउस था, तो अगर वो गैंगस्टर का नाम से सच में होगा तो मैं हाउस शायद से ले भी ले सकता हूँ, उसको मैं बेच दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पंगा नहीं चाहिए कोई, ठीक है ना? देखो हमारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन मैं कोई गैंगस्टर से पंगा नहीं लेना चाहता, इससे हमारा कंपनी का रेपुटेशन खत्म हो जाएगा, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो इसी वजह से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तो कि तुम जब भी चेक करोगी ना उसको चेक कर लेना, अगर सच में गैंगस्टर के नाम से होगा तो मैं उसको बेच दूंगा, उसका बेचने का तरीका मुझे पता है, तो यही तुमको बोलना था, ठीक है? तो अभी तुम्हें जाना है तो जा सकती हो तुम, तुम्हारा जो काम है खत्म करके सीधा ऑफिस में चली जाना। ओके सर मैं फिर जा रही हूँ, और आपने जो बोला वो अगर वो सच में गैंगस्टर की होगी तो मैं आपको बता दूंगी, फिर आपको जो करना आप कर लेना, ठीक है? हाँ हाँ तुम बस चेक करके मुझे बस एक फोन कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा, अब तुम ध्यान से जाना, ठीक है काव्या? ओके सर मैं फिर जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ मेरे घर में जाना कभी, ठीक है ना? हाँ ठीक है, कभी टाइम मिला तो जाऊंगा जरूर। तुम सीधा चले जाइए इधर से काव्या, ठीक है? सामने तुमको शॉर्टकट से मेन रोड पे तुम उठ जाओगी। ओके सर मैं फिर जा रही हूँ, मैं ऑफिस में जाके आपको कॉल कर लूंगी। ओके काव्या सी यू लेटर, बाय बाय। बाय बाय सर, फिर से मिलेंगे। ओके दोस्तों मुझे यहाँ से जानी है गैराज, फिर हौसले जाऊंगी ऑफिस। मैं ही सर से मिलता, अब वो कैसा लगा जो उससे बता देना, तो तब तक मिलते किसी और नई वीडियो में। बाय बाय।